हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल V2TV। यह है मेरा एक नया छोटा सा एवियरी जहाँ पे मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स रखा हूँ। तो आज का वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि बर्ड्स का जो नेस्ट बॉक्स है वो आप कैसे लगा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्रू लग जाएगा, जो आप देख सकते हो हुक टाइप का ये स्क्रू है, स्टेनलेस स्टील का है। ये आपको लगेगा 2 पीस एक नेस्ट बॉक्स लगाने के लिए। और उसके बाद आपको ये स्क्रू, देखिए ये जो होल है नेक्स्ट बॉक्स का, उसके ऊपर दोनों साइड में इसको ऐसे लगा देना होगा, अच्छे से टाइट करके लगाना होगा। तो देखिए ये ठीक होल के ऊपर लगाना होगा। और ये है इस नेक्स्ट बॉक्स का ये डोर। तो देखिए इधर से अंदर दिखा देता हूँ, ये जो होल देखा था आपने, ये होल से बार्ड अंदर घुस के, तो जो देखिए अंदर एक नेट लगा हुआ है, जैसे स्टेयर होता है वैसे स्टेयर का काम करेगा। ऊपर होल से घुस के इसको पकड़ के बार्ड नीचे आ जाएगा। अगर ये नहीं रहेगा तो बार्ड डायरेक्ट जाम करके नीचे आएगा और अंडा फूट सकता है, तो उसमें लॉस हो जाएगा आपका। तो चलिए आपको दिखा दूंगा कैसे ये लगाना होगा। केज का साइड में आपको ये हैंग कर देना होगा पहले, ऐसे जैसे मैं हैंग करके दिखा रहा हूँ। केज के ऊपर जो मोटा वाला GI तार है उसके ऊपर आपको लगाना होगा। अगर आप नेट में लगाएंगे तो इसका वेट ये नहीं रख पाएगा और नेट टूट जाएगा, तो आपको ये मोटा वाला GI तार के ऊपर हैंग करना होगा। इसके बाद आपको ये होल के आसपास से नेट काटना होगा, उसके लिए आपको लगेगा ये कटर। तो अब मैं होल के साइड से ये नेट काट लूँगा ताकि बार्ड अंदर जा पाए। तो दिखा दे रहा हूँ कैसे काटना पड़ेगा। तो देखिए ऐसे मेजर करके होल के आसपास से चारों तरफ से ये नेट को मैं काट दूंगा। अब मैं बाहर से इसको काट दूंगा, अंदर से मैंने काट लिया। अब नेक्स्ट बॉक्स उतर के मैं बाहर से इसको काट के पूरा निकल लूंगा। तो देखिए मैं इसको काट के बाहर निकल लिया। अब देखिए जहाँ से मैं काटा हुआ से तार निकला हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से बेंड कर देना होगा ताकि ये बर्ड के बॉडी में लग के चोट ना लग जाए, बर्ड इंजर्ड ना हो जाए। तो देखिए इसके लिए आपको एक प्लास लेना होगा और प्लास के थ्रू से इसको बेंड कर देना होगा, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ। इसको अच्छे से आपको बेंड कर देना होगा ताकि थोड़ा सा भी चोट ना लगे नेक्स्ट बॉक्स के अंदर घुसने के टाइम पे। तो देखिए मैं पूरा चारों तरफ से फोल्ड कर दिया, उसके बाद ऐसे ये दिखता है, एकदम भी चोट लगने का चांस नहीं है। अब आप फिर से बॉक्स को ऊपर लटका दीजिए, हैंग कर दीजिए। तो देखिए अब ऐसे पूरा होल जहाँ पे है वहाँ से थोड़ा सा भी नेट नहीं है, ऐसे इजीली बार्ड अंदर घुस सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा नीट एंड क्लीन काट किया है और उसको फोल्ड भी कर दिया। अब इसका जो दाढ़ है नेस्ट बॉक्स का, उसको यहाँ पे लगा दूंगा। इसके ऊपर बार्ड आके बैठेगा और अंदर इंस्पेक्शन करेगा अंदर क्या है ना है, उसके बाद अंदर बार्ड घुस जाएगा और घुस के उसका नेक्स्ट बॉक्स उसके हिसाब से सजा लेगा। इसके बाद आपको ये नेक्स्ट बॉक्स को वायर से पूरा अच्छे से टाइट करके केज के साथ बांध लेना होगा। जैसा आप देख सकते हैं ये साइड से ये पूरा वायर से लगा दिया, ऊपर से भी पूरा वायर से पतला GI तार जो है उससे आपको पूरा क्रिस क्रॉस करके चारों तरफ से अटका देना होगा ताकि ये हुक अगर खुल गया कभी ये गिर ना जाए और ये बॉक्स अच्छे से स्टेबल रहे, ज़्यादा ना हिले और बार्ड को ना डिस्टर्ब हो जाए। इसके बाद आपको एक नेस्टिंग मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा। मैं जो यूज़ करता हूँ वो है चिप्सी क्लासिक। ये है वुडन चिप्स, जो एकदम सॉफ्ट वुडन चिप्स होता है और इसमें थोड़ा मेडिसिन भी डाला हुआ रहता है ताकि कीड़ा मकोड़ा ना हो। तो आप देख सकते हैं ये
छोटा छोटा डस्ट मटेरियल में आता है, वुडन डस्ट बोल सकते हैं आप। इसका MRP है 225 और ये 1 kg का पैकेट में आता है। देखिए ये कैसे देखने में है, छोटा छोटा वुडन डस्ट मटेरियल टाइप का है ये। और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगा ये कीड़ा मकोड़ा मारने का पाउडर, जो 20-40 रुपये का पैकेट में आ जाता है, कोई भी बाट का दुकान में मिल जाएगा आपको। अब ये कीड़ा मकोड़ा मारने का जो पाउडर है, इसको आपको अच्छे से पहले नीचे स्प्रेड कर देना होगा। जैसे आप देख सकते हैं साइड में पूरा लगा दिया मैंने, कि वाइट वाइट दिख रहा है यहाँ पे, पूरा कीड़ा मकोड़ा का पाउडर स्प्रेड करके अच्छे से, ताकि नेक्स्ट बॉक्स में कोई भी कीड़ा मकोड़ा ना आए। इसके बाद आपका जो नेस्टिंग मटेरियल है, उसको आप अच्छे से तोड़ के यहाँ पे 1 इंची या 2 इंची थिकनेस में अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, ताकि अंडा उसमें अच्छे से हैच हो पाए। आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और ये है मेरा 2 ग्रे पैरोट, ये भी ऊपर में ही रहता था एवियरी में, बट अभी समर के टाइम में ऊपर थोड़ा हीट हो रहा है, इसलिए ये लोगों को मैं घर पर लेकर आ गया हूँ। अभी थोड़ा ये लोग बात भी सीख रहे हैं आस्ते आस्ते। ये लोग को थोड़ा देर पहले ही मैंने शावर दिया, इसलिए थोड़ा इसका फेदर भीगा हुआ है। तो देखिए ये लोग टॉय से खेल रहा है। मैं मेरा ऊपर का जो एवियरी है, उसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो भी बनाऊंगा। उसको देखने के लिए आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये है मेरा सुल्तान, मेरा जो फ्रेंच मास्टिफ डॉग है, ये ऑल टाइम ये लोगों के पास बैठे रहते हैं। आई लव यू Oscar. Okay. I love you. Oscar. Hello. Oscar. I love you. I love you. Oscar. Oscar. Hello.